के समर्थक जिनकी दुखद मौत हो गई थी, उनको उनके परिवार को वायदा किया था नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे, उनके घर पर कब जाएंगे भाजपा के नेता? 10 वर्षों में तो भाजपा के कोई नेता उनके घर पर उनका हालचाल भी लेने नहीं गए, उनके परवरिश की चिंता तो थी नहीं। और नौकरी के लिए दिल्ली से पटना तक लोग दौड़ते रहे, उनके परिजन लाचार होकर के गांव में रहने लगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिक बल है तो हस्ताक्षर अभियान का यह भी एक अंग बनाइए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राजधानी पटना में जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों और नेताओं के ऊपर लाठी चार्ज की गई, उसके बाद लगातार बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। वहीं आपको बताते चलें कि बीजेपी के नेता विजय सिंह की मौत हो गई है। मौत को लेकर भी लगातार सरकार का कहना है कि उनकी दरअसल जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अब इस मौत को, इस हत्या को हार्ट अटैक का नाम दिया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि बीजेपी की तरफ से हस्ताक्षर की प्रतिक्रिया चलने वाली है, जिसको लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी पर जोरदार हमलावर होते हुए कहा है कि 27 अक्टूबर 2013 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान आए थे और बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें कई बीजेपी के विधायक और नेता की जान चली गई थी, तो क्या उसके लिए आज तक बीजेपी ने कुछ किया है? क्या उसके लिए बीजेपी उनके परिजनों के लिए कोई नौकरी दी है, कोई नियुक्ति पत्र निकाल कर दी है? आज जहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ था प्रदर्शन करने के लिए, साफ साफ मनाही थी, वहां पे लोग प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन करने के बाद जब प्रशासन की तरफ से उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, और इस लाठी चार्ज में जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि लाठीचार्ज में विजय सिंह की मौत नहीं हुई है, उनकी मौत दरअसल हार्ट अटैक को हुई है, लेकिन बीजेपी बार बार ये बात कह रही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। तो वही नीरज कुमार ने कहा है कि आप इनके परिजनों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप इनके लोगों से जाके मुलाकात कर रहे हैं, इनके घर वालों से मिल रहे हैं, लेकिन जब 2013 में बॉम्ब ब्लास्ट में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों से आपने मुलाकात किया है? अगर मुलाकात किया है तो उनके किसी घर वाले को आपने नौकरी दी है, नियुक्ति पत्र दी है? जरा इसके बारे में आप हमें बता दीजिए, क्या कुछ नीरज कुमार बीजेपी पर बोल रहे हैं? हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। पटना में प्रतिबंधित क्षेत्र में लाठी चार्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रही है प्रतिकार के लिए। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में किए गए विस्फोट, जिसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भरत रजक, मुन्ना श्रीवास्तव, बिंदेश्वरी चौधरी, राजेश कुमार, गुड्डू कुमार सिंह, राज नारायण सिंह, जो भाजपा के समर्थक जिनकी दुखद मौत हो गई थी, उनको उनके परिवार को वायदा किया था नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे, उनके घर पर कब जाएंगे भाजपा के नेता? 10 वर्षों में तो भाजपा के कोई नेता उनके घर पर उनका हालचाल भी लेने नहीं गए, उनके परवरिश की चिंता तो थी नहीं। और नौकरी के लिए दिल्ली से पटना तक लोग दौड़ते रहे, उनके परिजन लाचार होकर के गांव में रहने लगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिक बल है तो हस्ताक्षर अभियान का यह भी एक अंग बनाइए कि आप उस परिवार के घर पर जाकर के और हस्ताक्षर पत्र के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी दिखाइए। कहाँ वो नौकरी कर रहे हैं उनके परिजन? भारत सरकार के किस मंत्रालय में, भाजपा शासित प्रदेश में, तृतीय संवर्ग में, चतुर्थ संवर्ग में, शिक्षक में, कर्मचारी में, किस में नौकरी कर रहा है? कृपा करके यह संस्थान का नाम और मृतक का परिवार कहाँ नौकरी कर रहे हैं इसका विवरण बिहार की जनता के सामने पेश करिए।